दूसरा प्रश्न है मेरा सोडियम प्लस जल रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम का सूत्र क्या होता है Na, यहाँ हो जाएगा 2Na प्लस जल का 2H2O। रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी 2NaOH प्लस हाइड्रोजन। अब प्रश्न 3 नंबर कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, उनकी अवस्था के साथ संकेतों के रासायनिक समीकरण लिखना है। तो प्रश्न कह रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा BaCl2। और क्या कह रहा है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा Na2SO4 3। और अभिक्रिया करने के बाद जल से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाएगा बेरियम सल्फेट बनाएगा। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र ये हो गया BaSO4। और प्लस क्या बनाता है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा 2NaCl। तो ये प्रश्न है और उनके उत्तर हैं। और इसके बाद एक और प्रश्न बाकी है जो हम अभी कराने जा रहे हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। लिख लीजिएगा और याद भी कीजिएगा इसको। थैंक यू।